लगता है कि चीटिंग करने वालों को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं. विजय माल्या को देखिए, और तो हो सकता है थोड़ी इज्जत बढ़ जाए मेरी. और एक और चीज़ जो कि हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ का, वो इस देश में आ गया है. रामराज आपको मुबारक हो, रामराज यहाँ आ चुका है. इतना तगड़ा आया कि कन्हैया पिट गए भीम के हाथों. सोचिए इतना बढ़िया, मतलब क्या हो सकता है कि पूरा माइथोलॉजी हमारे सामने खेला जा रहा है यहाँ पे. कितनी बढ़िया बात है. और दिल्ली वालों के लिए एक और खास बात ये है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो बहुत ही बढ़िया हैं. वो हर चीज़ में ऑड इवन है. वो सिर्फ ट्रैफिक में नहीं ऑड इवन है, उनका पर्सनैलिटी ही ऑड इवन है उनकी. ऑड डेज पे वो डिसेंट को सपोर्ट करते हैं, जाके हर जगह डिसेंट को सपोर्ट करते हैं. इवन डे पे अपनी ही पार्टी में डिसेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं. ऑड डे पे वो बोलते हैं भैया ऑड इवन गाड़ी चलाओ, है ना, वो एक दिन गाड़ी एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है और ये वो. इवन डे पे कोई भी आता है बोलता है हमको यमुना में ना यमुना की बत्ती लगानी है, आओ भैया. तो इवन डे पे उनका वो चलता है. मैं क्यों कॉमेडी करता हूँ, वाई आई एम, यू नो, बार बार मुझ पे इल्ज़ाम लगता है कि तुम इतने सिनिकल क्यों हो यार, इतना कुछ अच्छा हो रहा है देश में, तुमको साला खराबियाँ ही क्यों दिखती हैं और ये वो. मैं बताता हूँ कि मैं सिनिकल क्यों हूँ. मैं सिनिकल इसलिए हूँ, सीधा सा कारण है उसका, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ. जो यूपी से होगा वो समझेगा. यूपी वाले सिनिकल नहीं होंगे तो क्या होंगे? कोई यहाँ है यूपी वाला? कोई है? अच्छा, एक मैं टिप दे देता हूँ, आगे से हाथ नहीं खड़े करने होते हैं. कोई पूछे कि यूपी वाले, हाथ नहीं खड़ा करना, पीछे कर लो हाथ. बताने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप. मैंने ये नहीं पूछा ग्रेविटेशनल वेव्स किस किस को समझ आ गई, ठीक है. आप सिर्फ बिहार में जाके कहिए कि यूपी से हैं तो वहां उसको लगेगा हाँ फ्यूचर से आया है कोई, ठीक है. बाकी जगह आप अपना छुपा के रखिए. और बॉम्बे में तो मैं बिल्कुल नहीं बोल, मैं पंजाबी आइडेंटिटी ले लेता हूँ वहां पे कि मैं पंजाबी हूँ, जो कि झूठ है, आधा झूठ है आधा सच है. तो खैर, तो ये एक सिनिसिज्म वहां है क्योंकि आप क्या करें. आप, मैं यूपी की ट्रेन्स की बात करूं तो सिर्फ यूपी में ही ऐसा होता है. यूपी की ट्रेन्स में आप जाएंगे तो टॉयलेट में आप जाइए, ट्रेन के हग्गे का मग्गा भी लोहे की चेन से बंधा होता है. इतना कम भरोसा है लोगों को एक दूसरे पे. जितनी मोटी चेन में वो अनारकली को बांधा गया था मुगले आजम में, उतनी मोटी चेन से वो हग्गे का मग्गा रखा हुआ है, बंधा हुआ. पानी के नलके पे वो उन्होंने वो लॉक लगाया होता है. टॉयलेट में, ट्रेन के टॉयलेट में पानी का नलका ना उखाड़ के ले जाए कोई. उसमें भी हम आते थे जाते थे, वापसी में पता चलता था वो डब्बा भी गायब है, वो नलका भी गायब है, चेन रगड़ के आना पड़ता था हम बच्चों को. तो इस तरह के माहौल के बाद आप क्या करेंगे? आप सिनिकल ही होंगे ना, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन बात यह है, यूपी की एक और मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि जैसे हम लोग ट्रेन बसों में जाते थे, बस स्टेशन पे आप जहाँ भी रुकेंगे, बीच में एक बंदा चढ़ता था बस में, वो बेचने के लिए जूसर एक बेचने के लिए चढ़ता था. वो प्लास्टिक का 10 रुपये का या स्टील का 10 रुपये का जूसर होता था, छोटा सा जूसर, हैंड रन जूसर. उसमें वो एक संतरे से वो 5 कप जूस निकाल के दिखा देता था. हम लोग बड़े इंप्रेस हो जाते थे, यार एक संतरे से 5 कप जूस निकाल के दिखा दिया. और हम लोग वो ले आते थे, घर आते थे, कभी उससे 5 कप क्या आधा कप नहीं निकलता था. 2014 में पूरे हिंदुस्तान ने वो जूसर खरीद लिया है. जो जितने वो 5 कप बोले थे आपसे, आधा कप आपको नहीं मिला है आज तक, आप याद रखिए. और दिल्ली वालों को मुबारक देता हूं, आपने दूसरा भी खरीद लिया उसके बाद. इन सब चीजों के बीच में एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बोलने वाली कॉमेडी, एंड देर इज यू नो देर इज अ लाइन बाय अ कॉमेडियन सेइंग ग्रेट जोक्स, यू नो, ग्रेट जोक्स आर वंस that offend and yet please at some internal level. You know, a great joke is something which makes 50% of the people, and it's a perfect joke which makes 50% of the people applaud and the rest 50% are sitting in shock or hurt or offended, you know. Wo balance tabhi ho sakta hai jab aap establishment ke bare mein baat karein. Aur meri position ye hai ki I am a upper caste Hindu male. There has been no, you know, बहुत सारे establishment मेरे ऊपर हैं ही नहीं actually, you know, in India.
There are very few establishments. हाँ, political establishment हो सकता है, ideological middle class एक morality है, वो एक बहुत बड़ा establishment है हमारे देश में. Why are we having this session here today? You know, अचानक से क्या हुआ है? 2016 में हम comedy as dissent की बात क्यों कर रहे हैं? 2016 में ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि मैं 2005 से comedy लिख रहा हूँ, it's been 11 years. उसके शुरू के 9 साल मेरी कॉमेडी जब थी, उस समय यूपीए की सरकार थी इस देश में, उस समय किसी ने मुझे आके कभी नहीं बोला कि यार बहुत बहुत ब्रेव हो तुम, ये जोक्स कर रहे हो. जो पिछले 2 साल में मैं हर हफ्ते सुनता हूँ, हर हफ्ते मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं, बहुत यार तुम बहुत दम है तुम में यार, या बहुत क्यों, मतलब इतना पंगा क्यों ले रहे हो. मैं कहता हूँ, मैं तो पंगा यार, अगर ये पंगा ही है तो मैं 11 साल से ले रहा था, उसमें से 9 साल मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई. सो इट्स मोस्ट ऑफ इट इज एनेक्डोटल एविडेंस. ओके, एज पर सरकार की तरफ से कोई प्रेशर, पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर, सिस्टम की तरफ से कोई प्रेशर, मुझे नहीं लगता अभी तक हमारे देश में किसी भी कॉमेडियन को आया है. सो दैट इज अ गुड थिंग. और कल अमित शाह साहब यहाँ बैठे हुए थे, उनका सेशन था, एंड ही एक्चुअली रिस्पॉन्डेड कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी पर जोक हो, या अमित शाह पर, या किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर जोक हो और उसको वो दबाने की कोशिश करें, विच इज़ अ वेरी वेलकम थिंग. वो सुन के मुझे लगा कि हाँ, मैं सही सोचता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी होपफुल अबाउट द सीन ऑफ कॉमेडी इन इंडिया. आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस थिंग कि यहाँ पे लोग जोक सुन सकते हैं. कॉमेडी इज लिबरेटिंग, यू नो, डिसेंट इज लिबरेटिंग फॉर नॉट जस्ट फॉर द पर्सन हु इज सेइंग इट, फॉर द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट, बिकॉज देर इज सम कम्युनिकेशन विच इज हैपनिंग. यू नो, द कम्युनिकेशन हैपन्स वर्बली थ्रू द फॉर्म ऑफ एन आर्ट, थ्रू द फॉर्म ऑफ कल्चर डायलॉग. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं ना उठा के मैंने पत्थर या जो भी पुतले जलाए, वो सब नहीं हो रहा ना, यहाँ बात हो रही है. तो जैसे कि अगर मैं पुराने टाइम की, यूपीए के टाइम की कॉमेडी का मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि क्या हो रहा था उस समय. मैंने जिंदगी में जो सबसे पहला जोक लिखा था वो उस समय 2005 में मनमोहन सिंह उसी समय न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ की टैक्सी यूनियन से मिलने वाले थे, और वहाँ की टैक्सी यूनियन इंडियन टैक्सी यूनियन थी, उनसे मिलने वाले थे, और वो कुछ डिमांड्स लेके उनके पास आई थी. और मेरा पहला जोक शायद यही था कि मनमोहन सिंह ने उनको कहा कि भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद इंडिया में किसी और की गाड़ी चला रहा हूँ. दूसरा एक और, जब 2013 का 15 अगस्त था शायद, मनमोहन सिंह का आखिरी 15 अगस्त जो था एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो मैं दिल्ली में ही शो कर रहा था और वो लाल किले पे जाने वाले थे, और उस दिन मैंने, उसके ठीक पिछले दिन मेरा शो था इंडिया हैबिटेट में, और वहाँ मैंने ये बात कही थी कि आई डोंट थिंक मनमोहन सिंह को आज झंडा फहराने के लिए लाल किले पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जैसी उनकी इस समय मानसिक स्थिति है, उनको किसी ऊँची जगह पर नहीं जाने देना चाहिए. तीसरा, राहुल गांधी के बारे में, जब बहुत सारे ये जो चमचागिरी जो कांग्रेस में चलती रहती है, उस चमचागिरी के दौरान कहीं पे ये बात निकली थी, कुछ बहुत सारे लोगों ने डिफेंड किया, ये कहा था कि वो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जब 2012-13 में पीएम के उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी, और ये कहा था बहुत सारे लोगों ने कि ये राहुल गांधी तो गॉड्स गिफ्ट और ऐसा सब, 2-3 जो कांग्रेस के नेता हैं. मैंने ये तब मुझे ये लगा था कि किसी दिन अगर राहुल गांधी गलती से अपने जहर लगा लेना तो अगले दिन आधी कांग्रेस मरी हुई पाई जाएगी. तो कुछ आपको एग्जांपल देता हूं जो पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे लगता है इस समय कॉमेडी हो ही नहीं रही है, मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉमेडी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रियल न्यूज इतनी खतरनाक हो गई है कि हमारी कॉमेडी उसके सामने फेल है. मतलब हम लोग सोचते हैं कि इसमें हम जोक क्या बनाएं, हम सीधे सीधे फैक्ट जाके बोल के आ जाएं, वो कॉमेडी से बड़ा है, इतनी बुरी हालत हो रही है. आप सोचिए, एक आदमी ने खबर मिली कि बीफ खाया, उसके घर में घुसे, उसको मार दिया गया. अब सोचिए, विदेश में कोई आदमी मरता है तो पुलिस आती है, आदमी को उठा के ले जाती है, उसकी फॉरेंसिक, उसके खून की फॉरेंसिक जाँच होती है. यहाँ आदमी मरा, पुलिस आई और उसके फ्रिज में गई और उसके फ्रिज से जो मीट था वो उठा के ले गई, उसका फोरेंसिक जांच हुआ. इसके सामने मैं क्या जोक बनाऊंगा, बताइए. यहां आप किसी को कह नहीं सकते कि आप इंटॉलरेंट हैं, क्योंकि उसका जवाब ये होता है कि तूने मुझे इंटॉलरेंट कहा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा.
इसमें आप क्या जोक बनाएंगे? यहाँ पे घोड़े की टांग टूट गई है, वो नेशनल न्यूज बन गई है आज की तारीख में। आप सोचिए, चार दिन से टीवी पे वो चल रहा है, चार दिन से। यहाँ पे कितने सारे ऑपरेशन होते हैं दलित के, एक गांव में दलितों के गांव में उनके कुएं में जहर डाल दिया गया था, क्योंकि वो लोग बारात लेके निकले थे जो अलाउड नहीं है दलितों को, कुएं में जहर डाल दिया था जाके अपर कास्ट लोगों ने। तो वहां पे एक घोड़े की टांग टूटी है, वो नेशनल न्यूज है। लेकिन उससे एक चीज अच्छी मुझे मालूम चली कि शाखा में लाठी भांजना अच्छा सिखाया जाता है, दैट एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे हैं। नहीं तो मैं सोच रहा था शाखा में, मैं देखता हूँ आजकल फंडिंग, क्योंकि वो उनका वो नरेगा है ना राइट विंग का शाखा, तो उसमें लाठी भांजना सिखा रहे हैं। मैंने बोला लाठी भांजना सिखा रहे हो और बगल में आप भाषण दे रहे हो ISIS के खिलाफ, आपको पता है उनके पास क्या है और आपके हाथ में ये लाठी, मतलब कुछ मुझे कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया। लेकिन ये दूसरी चीज़, ये उन्होंने जब घोड़े की टांग टूट गई उसके बाद जब उनसे पूछा गया, तो सबसे पहला उनका डिफेंस हुआ, MLA साहब जो है उनका सबसे पहला डिफेंस ये था कि और नहीं नहीं वो घोड़े को ना पानी नहीं पिलाया हुआ था सुबह से, इसलिए वो गिर गया। मैंने तब पानी नहीं पिलाया था उससे फ्रैक्चर हो गया, मतलब करवा चौथ के दिन आधा हिंदुस्तान फ्रैक्चर हो जाए तब तो, ये कहाँ का मतलब उनका वो था। फिर अभी खास हमारे ये हैं बहुत प्यारे न्यूज़ एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये अपना न्यूज़ में वो किया, एक SMS पोल किया अपने चैनल पे, वो जो रात को न्यूज़ एट नाइन जो भी है, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आप भी मत देखिए, कम देखिए प्लीज़। लेकिन न्यूज़ में उन्होंने SMS पोल किया जिसमें ये पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए या नहीं। ये क्या है, ये वॉर है कि ये फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम है, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पाया। अर्नब गोस्वामी के चैनल पे डिसाइड हो रहा है कि हमको पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कि नहीं। मतलब मैं सोच रहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के अगर टीवी देख रहे होते उस समय, वो क्या करते, वो देख रहे हैं, वो एकदम से वो फोन करते अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को कि भाई क्या करना है अगर यस आ गया तो। मतलब ये क्या हो क्या रहा है, मैं सीरियसली इस सबके सामने आप क्या जोक बनाएंगे, आप बताइए। फिर अभी थोड़े दिन पहले हमारे स्टेट महाराष्ट्र में हॉर्न ओके प्लीज पे बैन लग गया है, ट्रकों के पीछे हॉर्न और प्लीज पे अब स्टिकर लगा दिए, बड़े बड़े ब्लू स्टिकर लगा दिए हैं, वो जो भी ब्लू टेप लगा दिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि हॉर्न ओके प्लीज पढ़ के लोग हॉर्न बजाते हैं। भाई हम बंदर हैं क्या, हॉर्न ओके प्लीज लिखा तो पैं 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 हम पढ़ के, ऐसा नहीं होता है। और हॉर्न और प्लीज, अब बहुत सारे ट्रक हैं, आपने अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे आप देखेंगे हॉर्न और प्लीज पे टेप लगी हुई है, तो बहुत सारे ट्रक ओके 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 बोलते हुए घूम रहे हैं इधर उधर, वो एक दूसरे को, इधर से जा रहा है ओके, उधर से आ रहा है ओके, तो वो बेचारे परेशान हैं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कहाँ हमने आज तक कौन सी चीज़ मानी है लिखी हुई जो वो हम मान रहे थे, हमने आज तक कब माना है भाई, हम तो कभी नहीं मानते हैं। जहाँ लिखा होता है गधे के पूत यहाँ मत मूत, वहीं सबसे ज़्यादा जाके लोग, जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहाँ हमारा वो वैदिक दिमाग जो आर्यभट्ट के टाइम का हमारा जो है ना दिमाग, कि 90 डिग्री हमारा दिमाग नाप लेता है, जहाँ दो दीवारें 90 डिग्री पे हैं, 89 पे होंगी तो कुछ नहीं होगा, जहाँ 90 होगा हमारे अंदर से आवाज आएगी थूक 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 साले थूक, तो हम लोग थूकते हैं सीधे। फिर ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पिछले दिनों देखने को मिली, अभी सबके सामने क्या सटायर किया जाए बताइए। ये किताब एक है बच्चों के लिए छपी है, बाल नरेंद्र, इसमें चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जूसर, तो इसमें कुछ कहानियां, मैं आपको दो तीन कहानियां बता देता हूं, आप पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब कहां से आ रहा है। इसमें मतलब दिखाया गया कि वो बचपन से कितने ग्रेट थे, और मतलब ही वॉज डेस्टाइंड टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट, या डेस्टाइंड टू बी द, अभी आज हमारे एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किरण रिजिजू, उनके उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे नॉस्ट्रेडमस की कोई भविष्यवाणी शेयर की है इन ऑल सीरियसनेस। अब इस पे मैं क्या जोक बनाऊंगा, नॉस्ट्रेडमस की कोई भविष्यवाणी है जो कि 1555 में नॉस्ट्रेडमस, पहली बात तो मतलब जो भी ठीक है, यहाँ जितने लोगों को नहीं पता है उनको जानना भी नहीं चाहिए कि वो कौन था, लेकिन आप जिनको पता है आप जाके देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या चल रहा है, मतलब वो कुछ अलग स्पेस में है। तो उसी स्पेस में ये किताब है, इस किताब में उनके बचपन की गाथाएं हैं, और उस गाथा में
ये है कि मतलब एक दो बच्चे हैं उनके जो आसपास फैन हैं वो ना हमेशा वो अरे नरेंद्र की शर्ट देखो, अरे नरेंद्र के बाल देखो, अरे नरेंद्र के, वो एक बच्चा है इसमें वो मैं दिखा दूँ, वो बच्चा बड़े होके अरुण जेटली बना तो वो टीवी पे लाइव आ रहा है मुझे ऐसा बताया गया है, बहुत सारे लोगों ने टीवी फोड़ लिए होंगे अब तक अपने तो ये फिर इसमें कुछ है, ये एक मज़ेदार जो सेंटर पीस है इसकी कहानी का मैं वो आपको बताता हूँ और उसके बाद हम बस तेज़ी से कुछ पाँच मिनट में क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन ये इसमें एक सेंटर पीस है, इसमें कहानी है कि बच्चे नदी किनारे मिट्टी में ना ये क्रिकेट कुछ कैच खेल रहे हैं, ठीक है, नदी किनारे मिट्टी में वो कैच, उन दिनों गुजरात में मिट्टी हुआ करती थी तो वो अपना उनकी बॉल नदी में गिर जाती है, कैसे, पहले तो गधे बच्चे हैं नदी किनारे कैच कौन खेलता है पहले ये बताओ, ठीक है खेल रहे हैं बॉल उनकी नदी में चली जाती है, नदी में मगरमच्छ हैं, यहाँ मगरमच्छ आपको दिख रहे होंगे शायद, आई वॉन्टेड टू गेट स्लाइड्स बट वो हो नहीं पाया, लेकिन इसमें मगरमच्छ हैं और मगरमच्छों के बीच में ठीक जाके ये बॉल गिर जाती है और क्योंकि हीरो हैं ये बाल नरेंद्र, ये जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम लेके आएंगे बॉल और सारे वो जो उनका दोस्त अरुण जेटली है वो बोलता है हाँ भाई जाओ नरेंद्र बॉल लेके आएगा, और नरेंद्र जाता है बॉल और मगरमच्छों के ठीक बीच से बॉल लेके आ जाता है, मगरमच्छों के बीच में बॉल पड़ी है और बॉल नहीं, सिर्फ बॉल नहीं लाता वहां, मगरमच्छ का एक छोटा बच्चा है, बच्चे को भी ले आता है वापस। ये मगरमच्छ क्या कर रहे थे भाई, ये कैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ है कि कांग्रेस है, तुम्हारा बच्चा ले गया, अबे बॉल ले गया तुम्हारा बच्चा भी ले गया, ये कैसे हो तुम यार, किस तरह के मगरमच्छ हो। फिर एक और जो एस्टैब्लिशमेंट की बात अगर मैं करूं, एक और जो नॉन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हिंदुस्तान में है वो है हमारी फैमिली, हमारी हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है जिसमें कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, हम लोग बाहर जाके रोड पे हल्ला मचा रहे हैं डेमोक्रेसी ये सब, अरे घर में डेमोक्रेसी तो देखो यार, घर में अपने माँ बाप के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट करके तो देखो, नहीं करता है कोई, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और वहीं से शुरुआत होती है इस सिस्टम की, जो पूरा आइडिया है टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर, टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर, जहाँ से ये भारत माता की जय आया है, जिसपे कि सवाल भी नहीं आप कर सकते हैं, जिसपे आप कोई मतलब सवाल इस पे, वो जो अन्नू कपूर का एक क्लिप है आप जाके ढूंढिएगा यूट्यूब पे, अंताक्षरी सारे गामा पा का किसी चीज़ का, वो इस पे नहीं बोलने का, तो वही बात हो गई है। तो यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर और हिंदुस्तान में, आई एम मैरिड फॉर 8 years नाउ एंड वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड मी एंड माई वाइफ नॉट टू हैव किड्स, बट वो हिंदुस्तान में वो इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, अगर आपको बच्चा नहीं करना है आपकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं लोग पूछ के, सब लोग मतलब रिश्तेदार दोस्त, मतलब सेंसस 2011 वाला जो कि 2012 में मेरे घर आया वो पूछ रहा है, वो जब गिनती कर रहा है बच्चा क्यों नहीं है, आप बिटिया को बुलाइए हम समझा देते हैं, आप अपना काम कीजिए गिनती कीजिए निकलिए यहाँ से, तो उस लेवल का है। और मैं पूछता हूँ कि बच्चा करना क्यों ज़रूरी है, बच्चा क्यों चाहिए, तो सब पहला जवाब आता है कि नहीं वंश आगे नहीं बढ़ाना, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और मैं कहता हूँ अरे वंश मतलब वंश आगे, मैं कोई चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मेरे वंश का आचार डालेगी क्या दुनिया, मैं क्यों मतलब, और क्या राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया क्या मिला, okay we have just 2 minutes for questions, I have a couple of questions of my own but I quickly want to see if anybody wants to ask Varun a question first, anyone at all, okay I'm just going to come to you but first let me ask you, you've been on a collision course with censors, yeah I see that you're attacked all the time online about the jokes you make, yeah which is the joke that you've gotten or the thing that you've said either on Twitter or during a stand-up that you've gotten into the most trouble for? In stand-up, I think it was around the time our Prime Minister was wearing that amazing suit in front of Obama sahab. You know, aur us pe maine kuch kiya tha perform in Bombay in a show. And it was just about the fact. So, you know, joke has two parts. One is the setup and one is the punchline. And setup has to be
foolproof. Setup has to be a fact. Punchline is obviously an exaggeration and whatever imagination. तो उसमें सेटअप में कुछ लोगों ने बहुत बड़ा इशू निकाला कि वो सूट जो ऑक्शन हुआ था शायद 10 लाख या 20 लाख में और या 2 करोड़ में, आई फॉरगॉट द नंबर, 4 करोड़ में. हाँ, तो वो नंबर पे बहुत लोगों ने बोला कि ये तो झूठ फैला रहा है प्रधानमंत्री के बारे में, वो 4 करोड़ में नहीं हुआ था या वो 5 लाख में हुआ था, व्हाटएवर सम नंबर्स. सो बिकॉज ऑफ दिस फैंटास्टिक इन दिस इन योर करंट रूटीन यू मेड फन ऑफ राहुल गांधी क्वाइट अ बिट, यू मेड फन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आल्सो क्वाइट अ बिट. एज अ कॉमिक, यस ऑफ कोर्स, हु इज इट इजियर टू मेक जोक्स अबाउट, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? Easier, I think राहुल गांधी, मैं आधी रात को किसी को जगा के नींद से सिर्फ उसके कान में राहुल गांधी बोल दूं तो हंसने लगते हैं लोग. तो easier to make jokes.